नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के गेट के बिल्कुल बाहर हैं। आप जानते हैं, जब भी हम यहाँ आते हैं किसी ना किसी कारणवश हम आते हैं, क्योंकि जब भी आम जनता को ज़रूरत होती है तो मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। चलिए आइए, जानते हैं इनसे, इनका नाम जानते हैं और बताते चाहते हैं इनसे क्या कहना चाहेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम मुनीर हुसैन है। क्या मुनीर जी, क्यों आप खड़े हुए हैं, आपने क्यों मीडिया की मदद ली, क्या हुआ, बताइए पूरी बात। जी मैम, 1 जून को जो है एक हमारे वहाँ एक हादसा पेश आया। कौन सी जगह पर? ये तहसील बसोली और ये बोंड एरिया आता है। तो हमारे जो दो भाई हैं, हमारे कज़न हैं, वो बनी से निकले मजदूरी के सिलसिले में। 1 जून को निकले सुबह तकरीबन 6 बजे, मोटरसाइकिल पे निकले दोनों भाई। कितनी उम्र थी उनकी? एक की 19 साल और एक है कोई 28-29 साल के करीब। तो एक उनमें शादीशुदा, उसके 2 बच्चे शेरखोर, और एक अभी अनमैरिड है, उनकी शादी नहीं हुई, तो उनकी भी शादी अगले साल ये होने वाली थी। तो ये एक मजदूरी के सिलसिले में घर से निकले थे। तो घर से तकरीबन बनी से तकरीबन 35-40 किलोमीटर दूर जब वो पहुंचे, तो सामने से अचानक एक पिकअप वैन जो आई, गाड़ी जो आई, उसका नंबर JK08J8812। तो वो बहुत ही रफ्तार, तेज़ रफ्तार से आ रही थी। तो उनके साथ जो टक्कर मारी बाइक के साथ, तो दोनों बच्चे जो हो नीचे गिरे और बहुत गंभीर चोटें उनको लगी। एक भाई को तो उसकी एक टांग ही कट गई घुटने से नीचे, वहीं ऑन स्पॉट ही वो अलग हो गई घुटने से नीचे। जो मैरिड वाले थे उनकी वो टांग अलग हो गई ऑन स्पॉट ही। और दूसरा जो उनका छोटा भाई था, उनका भी ये पूरा दाई साइड, जो पूरा पोर्शन है बॉडी का दाई, पाँव से लेकर यहाँ कंधे तक, तो ये पूरा फ्रैक्चर, मतलब बिल्कुल भी थोड़ी सी भी मूवमेंट नहीं हो रही, अभी भी नहीं हो रही, वो पूरा प्लास्टर अभी यहाँ मेडिकल कॉलेज के अंदर जेरे इलाज। किस दिन हुआ था ये? 1 जून को हुआ था। ये सुबह 6 बजे निकले थे घर से और ये हादसा लगभग 8-8:30 के बीच में हुआ था। मजदूरी के सिलसिले में निकले थे जी। तो फिर अचानक ऐसी जगह पर हादसा हुआ जहाँ इतना कोई बस्ती भी नहीं थी, अचानक फिर रोड तो था ही, तो अचानक किसी अननोन बंदे ने इनको देखा, तो फिर वहीं से बोंड के इलाके से उन्होंने एम्बुलेंस का अरेंजमेंट करवाया, एम्बुलेंस मिली, वहां से उनको शिफ्ट किया बसोली सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए। फिर वहां उनको थोड़ा सा फर्स्ट एड दिया गया जितना उनसे हो सका। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कठुआ प्रॉपर टोन में उनको वहाँ भी वो दिया गया, फर्स्ट एड दिया गया। लेकिन वहाँ जब डिस्ट्रिक्ट कठुआ में जब वो पहुँचे हॉस्पिटल में, तो वो जो जिनकी टांग कट चुकी था उस वक्त, जो मुझे, मैं तो साथ नहीं था, लेकिन मुझे भी जो उनके साथ थे उन्होंने बताया कि 4.5 पॉइंट ब्लड उसके शरीर में बचा हुआ था जिसकी टांग कट गई थी। बाकी सारा वेस्ट हो गया था, सब वेस्ट हो चुका था, और वो जो टांग का पीस था वो भी लॉस हो चुका था। तो वो साथ लाई थी टांग भी, हमने बहुत कोशिश की, डॉक्टरों से भी हमने कंसल्ट किया यहाँ के, वो टांग का कुछ अगर वो जुड़ पाएगी, चाहे शेप ही आ जाए, काम ना करे तो कम से कम शेप तो आ जाए। तो डॉक्टर ने बोला नहीं, ये वेस्ट हो चुकी है, बहुत टाइम हो चुका है। तो मैम, अब हमारी बसोली एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है, आपने एफआईआर लगाई उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने आपके दोनों कजन अभी को? अभी तो मैम हम बहुत एंगेज हैं, तब से ही हादसे के वक्त से अभी बिजी हैं। पुलिस स्टेशन में आपने ये जो गाड़ी नंबर है दिया, ये अभी सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, सुनने में आया कि गाड़ी सीज हुई है, ये हमने सुना है सोशल मीडिया से ही ये वायरल हुआ ये सारी चीज़ें। तो अब हमारी आपके चैनल के माध्यम से हमारी ये बसोली एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, एक तो ये गरीब मजदूर तबके के, मतलब मजदूर खानदान से ये तलक रखने वाले बच्चे थे, माली इमदाद अगर की जाए इनके इलाज के लिए। और बाकी हमारी पुलिस हकाम से भी गुजारिश है कि वो जो ड्राइवर है उसको जल्द अज जल्द उसको जो है अरेस्ट किया जाए। चलिए, बुजुर्ग हैं इनसे भी जान रहे जी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या लगते हैं? बच्चे हैं मेरे, दोनों बच्चे हैं जी, मेरी 65 साल उम्र है, अब मैं क्या कमाऊँ? तो बच्चे, उसके एक की टांग चले गई, एक का पूरा ये जिसम यहाँ से लेकर नीचे पाँव तक उसका भी त्रास हो चुका है। अब उसमें जब तो हमें एडमिशन से मांग है, गरीब आदमी है, हमारे को मदद मिल जाए, आपका ताउन हो उसमें, तो इसलिए कि उस ड्राइवर पर हमें यह है कि वो इतना हादसा कैसे, तो पुलिस को उसका फोन, उसको मुलजिम को गिरफ्तार करना चाहिए,
क्योंकि ये दोनों तरफ से ये दोनों लड़कों को जो ये दोनों तरफ से प्रेस हो गई, एक ही टांगी चलेगी दूसरी तरफ से। पर FIR भी जरूरी होती ना, कंप्लेन पुलिस तक जाना भी जरूरी होता है अंकल, तो तभी आपकी पुलिस भी सुनवाई करेगी, कार्रवाई भी होगी। तो पुलिस ने वहाँ से उठाया उन्होंने, लेकिन पुलिस को कार्रवाई करनी, पुलिस ने उसको उनकी गाड़ी से जी उनको कार्रवाई करनी चाहिए। क्या क्या जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से यही कहना चाहता हूं कि जो ये दुखद परिवार जो हमारा है, ये सका चाचा है तो सकी चाची, ये दोनों हमारे पितृ कज़न भाई हैं दोनों, तो जो भी अपने सफ़र के लिए जा रहे थे वहां इनको सफ़र में हादसा हो गया, तो जिस शख्स ने भी वो हादसा किया है तो हम चाहते हैं कि उनसे भी हम थोड़ी वो हमारे साथ अगर वो इतना भी कह देते कि भाई कोई बात नहीं, घबराने कोई, हम आपके साथ हैं, हम इसमें भी सहमत थे, इसमें भी हम सहमत है। तो पता चला वो कौन व्यक्ति था? हाँ वो तो पूरा हमारे पास वीडियोस भी, हर चीज हमारे पास उनकी तरफ से वो डाटा पहुंच गया, गाड़ी नंबर भी है, बाकी वीडियोस भी है, सब कुछ हमारे पास पहुंचा हुआ है प्रूफ। तो हम यही अपील करना चाहते हैं उन लोगों से भी कि जिन्होंने हादसा किया है तो वो हमारे साथ अगर हो सकता है कि हम जैसे वो कहें उसी बात पर हम सहमत है, इसलिए इससे आगे जी जी बसोली ना, बसोली की बात कर रहे हैं ये, बसोली और भोंड और गुड़ोड़ी नाला, जहाँ भी आता हो गुड़ोड़ी नाला के आसपास। देखो ये परिवार एक है जिनके परिवार के दो व्यक्ति, यानी एक मैरिड था एक अनमैरिड, जवान परिवार के बच्चे, जिनको एक गाड़ी जो कि नंबर बताया था गाड़ी नंबर मार कर चले जाते हैं, यानी अधमरा छोड़कर, जिसमें से एक व्यक्ति की टांग नहीं है, टूट गई टांग निकाल ही दी यानी कि, और दूसरा भी पूरी तरह से यानी कि सुन है उसकी किस्सा। ये लोग बस ये चाहते जिस व्यक्ति ने ये किया, और ये दिहाड़ीदार लोग हैं, इनके पास इतना सरमाया नहीं कि ये इलाज कर सके। और अब जो घर के कमाने वाले, इस समय हॉस्पिटल है, दो बच्चे हैं एक और एक अनमैरिड है, आप खुद सोचिए माता पिता का सहारा जो बच्चे हों, आज वो हॉस्पिटल में जरे इलाज हैं, तो खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से गुजर बसर करते होंगे परिवार का। और बसोली की जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, उनसे भी ये गुहार लगाना चाहते हैं कि उस व्यक्ति पर शिकंजा कसा जाए, और साथ ही साथ जो कंपनसेशन है कम से कम इन तक मिला जाए, ताकि ये कम से कम दो वक्त का ये खाना तो खा सके। और साथ ही साथ जितने भी NGO समय देख रहे हैं, जो भी बढ़ चढ़ कर जनता की मदद करते हैं, उनसे भी हम निवेदन करते हैं, इस परिवार का जो परिवार दिहाड़ीदार है, जो सुबह कमाता है शाम को खाता है, जरूर इनकी मदद को सामने आए, और ऐसे लोगों पर शिकंजा जरूर कसना चाहिए जो अंधाधुंध ड्राइविंग करते हैं और अपनी ड्राइविंग के चलते किसी को भी मौत के घर उतार कर भाग जाते हैं। ऐसे लोगों की ड्राइविंग लाइसेंस ही कैंसिल करने चाहिए, और साथ ही साथ ऐसी बर्बरता से मारकर उसके बाद उसको हॉस्पिटल तक भी यानी कि इंसानियत भी दिखाना मुनासिब नहीं समझते। सबसे बड़ा सवाल ये है कैसे लोग हैं, इसीलिए ऐसे लोगों पर पुलिस की सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और साथ ही साथ जिन्होंने ये किया उनके माध्यम से इस परिवार तक कंपनसेशन जरूर मिलना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।